बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत पहला अध्याय भोजन। यह कहाँ से आता है हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, वीडियो से आप रोक रोक कर वीडियो को पाठ को पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक बार पाठ को जरूर से जरूर पढ़ लें। इससे यह होगा बच्चों, जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे और इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी की सामना ना करना पड़े। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देख रहे ना आप, यहाँ पर यह आपका पूरा पाठ भोजन यह कहाँ से आता है। और यहाँ पर बच्चों शुरू हो जाते हैं इस पाठ के प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि आपने इस पाठ में क्या कुछ पढ़ा, आपने क्या कुछ सीखा। सबसे पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं पाठ से संबंधित। नंबर एक, कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूं, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। आपने पढ़ा होगा पाठ में, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी कि नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य यानी खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि। तो ये थे बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके लिए जो हमने आपको बताए। आपने ये सब बातें पाठ में जान ली होंगी और हमने आपको दोबारा से एक बार फिर से याद दिलाने के लिए इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारियाँ अपने पाठ से मिल गई होंगी। चलिए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और आप देखेंगे पाठ के अंत में सबसे पहला प्रश्न है आपका, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, आप लिखेंगे नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं बच्चों तीन प्रकार के जीव? नंबर एक शाकाहारी, नंबर दो मांसाहारी और नंबर तीन सर्वाहारी। जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी, और जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है बच्चों और उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, पांच पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो आप लिखेंगे पांचों के नाम। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। नंबर एक आलू,
जिसका तना खाया जाता है, मूली जड़ और पत्ते दोनों खाए जाते हैं, अमरूद का फल खाया जाता है, गाजर की जड़ खाई जाती है और गेहूं के बीज खाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पांच पौधों के नाम और उनके भाग जो कि खाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, कॉलम एक में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम दो से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम एक और कॉलम दो, और यहाँ पर इनका मिलान करना आपने जो एक में और दो में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलम एक में दूध दही पनीर घी है, तो क्या है इधर आपको ऐसे इन्हें मिलाना है। और यहाँ पर कॉलम दो में देख सकते हैं दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और यहाँ पर जो है पालक फूलगोभी गाजर, और इधर लिखा है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, और शेर एवं बाघ सब्जियाँ हैं, यहाँ पर शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इनका आपने क्या करना है, मिलान करना है। आप समझ गए ना किस प्रकार से कॉलम ए को यहाँ पर जो है कॉलम ए को दो से मिलाना है, जो सही है उनको उसके साथ मिलाना है। तो उत्तर में आप किस प्रकार मिलाएंगे, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉलम एक में दूध दही पनीर घी सभी जंतु उत्पाद हैं, और पालक फूलगोभी गाजर ये क्या हैं सब्जियां हैं, और शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें मिला सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों, चौथा प्रश्न है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए शब्द ये देख सकते हैं आप, शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी, तो इनको आपने खाली स्थान पर भरना है। और नंबर एक यहाँ पर जो है कै वाला है आपका, बाघ एक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि क्या है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है, और हिरण केवल पादप उत्पाद कहलाता है, हिरण केवल यहाँ पर जो है आपके लिए जो खाली स्थान है कहलाता है, और इसलिए इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर लिखना होगा, तोता केवल उत्पाद खाता है, और घे वाला यहाँ पर जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ पर आप जो है अगले में लिखेंगे, गाय वाले में हमें चीनी से मिलती है, तो किससे मिलती है, तो जो आपको यहाँ पर जो है शब्द दिए गए थे इनमें से आपने भरना है किनमें से, शाकाहारी पादप दूध गन्ना और मांसाहारी में से। तो यहाँ पर क्या कुछ लिखेंगे आप उत्तर में, चलिए देख लेते हैं। कै वाले में आप लिखेंगे मांसाहारी, खै वाले में शाकाहारी, गै वाले में पादप, और घे वाले में दूध, और गै वाले में गन्ना। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों में अपने उत्तर यहाँ से भर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सारे समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानते रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।